नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। वार्षिक उत्सव व होली महोत्सव मनाया गया। नीम का थाना क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद पुनर्वास संस्थान में वार्षिक होली महोत्सव बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य सहयोगी जमनलाल कानीराम बाजार ट्रस्ट रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजा से की गई। अतिथिगणों का माल्यार्पण करके स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय चेतानी, बजाज फाउंडेशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रवि घोष रहे। विशिष्ट अतिथि हिमांशु तिवाड़ी अध्यापक व पूरणमल शर्मा, नरेश जिंदल, सुमन सामोता, कुशाल कंवर, सुनीता मोदी, श्रवण शर्मा, गजेंद्र मोदी के साथ ललित दार्शनिक विजय कुमावत, प्रशांत, प्रदीप जांगिड़, अमित आदि लोग रहे। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के साथ फुटपाथ पाठशाला के भी बच्चे शामिल रहे। दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साथ ही पाठशाला में बच्चों ने अपनी भूमिका प्रस्तुत कर होली महोत्सव के रूप में रंग गुलाल लगाकर होली खेलकर मनाया गया। वक्ताओं ने अपने विचार के माध्यम से विचार प्रकट किए। नरेश जिंदल द्वारा होली के बारे में बच्चों को अद्भुत जानकारी दी गई। साथ ही काव्य गीत की भी प्रस्तुति दी गई। बजाज फाउंडेशन के रवि घोष ने फाउंडेशन के कार्यों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में अतिथियों ने संस्थान के विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया। शारदा सदन के हिमांशु तिवाड़ी ने दिव्यांग बच्चों के संगीत की तैयारी के लिए ढोलक हारमोनियम देने की बात कही। इसी के साथ हिस सोल फाउंडेशन के द्वारा 5100 रुपये शिक्षण सामग्री के लिए संस्थान को चेक दिया गया। कार्यक्रम के अंत में नरेश जिंदल ने सभी को साधुवाद किया और होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गुलशन कुमार शर्मा, शिखा शर्मा, डॉक्टर एसएस वेदी, विपिन शर्मा, राजू सैनी, महेश यादव, बनवारी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, ममता हैप्पी आदि लोग उपस्थित रहे।